मैं यार एक ना मामले के बारे में छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया है, काफ़ी लोग ना अपनी फ़ोटो ऐसे लेते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी लेते हैं करके ना, पता नहीं पाउट वगैरह करते, ऊपर से होती भी शर्टलेस है ऐसी फ़ोटो ज़्यादातर। और कुछ लोग ऐसे भी लेते हैं ना जॉय लाइन दिखाने की कोशिश में, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, ऐसे ना आधा कैमरा करके ऐसे आधा मुंह दिखाते हैं अपना। ज़्यादातर ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह कोजे लोग ही लेते हैं। और एक ये पोज भी होता है, क्लासिक क्लासिक साइड पोज। मैं तो साइड पे देख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हाँ, वो देखो दीवार कितनी खूबसूरत है। कुछ लोग ऐसे भी लेते हैं फ़ोटोज़, स्पेशली गर्ल्स, बहुत क्यूट समझ रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन क्यूट नहीं समझते कि ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं लगते, ऐसे लग रहे होते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि ये सारी फ़ोटोज़ सही हैं, लेकिन अगर आप ऐसे फ़ोटोज़ लेते हो ना ऐसे, यार मत लिया करो प्लीज़, ऐसी घटिया फ़ोटोज़ नहीं लेनी। कसम से बंदा सुबह उठता है, इंस्टाग्राम खोलता है, ऐसी फ़ोटो सामने आती है, सारा मूड ख़राब हो जाता है बंदे का, बंदे को समझ ही नहीं आती क्या करे, डर ही लगता है ऐसी फ़ोटो से, क्यूट बिल्कुल नहीं लगती मुझे, किसी को भी नहीं लगती। लोगों ने इस वास्ते वीडियो बनाई है, पर आप जैसी वीडियो कोई नहीं बना सका, आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो बनी है आपकी। उसके अलावा भी बड़े पोज वगैरह हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यही शिकवा था कि यार आपने ना ऐसे और ऐसे, प्लीज़ ऐसे फ़ोटोज़ नहीं लेनी। इसीलिए छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ ये छोटी सी दरख्वास्त है मेरी, मान जाए प्लीज़ ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह ना बनाया करें। अगर कोई ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हो उससे भी मना कर लें प्लीज़, प्लीज़ कह रहा हूँ मैं, देख लो। बाय बाय, टाटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये कीड़ा अभी भी इधर ही बैठा है।